में कोई भभूति है, ना हमारे पास कोई बेल है, ना हमारे पास नरियल है, ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना हम कोई मंत्र जानते हैं। हम तो बस शंकर की कथा, जो बाबा बाच दे वो बाच दे, जो सुन ले वो सुन ले, कथा के सिवाय कुछ नहीं। पर इतना विश्वास जरूर है, कथा के पंडाल में जो बैठकर आप दिल से बोलकर आरती करने के बाद जब यहाँ से उठकर भूमि को प्रणाम कर जमीन की रज को अपने हृदय से लगा कर जाते हो, वो खाली नहीं जाता, वो भर कर ही। उसका भजन कैसे वो कम हो जाए? इतने पत्र पहले दिन इतने दे दिए कि पढ़ने के लिए भी 4-6 बार जलगावाना पड़ेगा। पहले दिन इतने भेज दिए, ये इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं होता ना बाबा पर, हम कहते हैं उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनके घर चले जाओ, हमारे पास मत आओ सीओ, आप उनके घर जाओ, इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, और उनके पास जाकर पूछना कि शंकर को जल चढ़ाने से कोई फल मिलता है क्या, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल होता है। एक बहन ने तो लिखा, कोई आई है, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा उसका, उसके घर में संतान नहीं थी, तो सास ने कहा चल कथा हो रही है मालेगांव की, उसको सुन। कथा सुनने से कोई बच्चे होते? बहू पढ़ी लिखी, बहू का शब्द है, उसने पत्र लिखा, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। बहू कहती है क्या कथा सुनने से बच्चे होते? सास ने कहा चल तो सरी, लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो दिया जाता है। और वो बहू लिख रही है, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी, पर आज दिल से कहती हूं, जब मैंने कथा सुनी बाबा ने मुझे संतान दी है, ये मैं बाबा को कहती हूं। इन पत्रों में उसने अपना पत्र लिखा हुआ, इन पत्रों में कहीं ना कहीं उसका पत्र डला हुआ, ये रहा। मैं रूपाली किशोर पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हूं, खंडेराव नगर की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है का? बैठी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। फोटो लगाए उन्होंने अब बच्चे के भी और उसके। क्या विश्वास, भरोसा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शिव पे चढ़ाए हुए जल का फल मिल सकता है? क्या भगवान शंकर कृपा कर सकता है? बैठी है बहन, क्या शिव संतान दे सकता है? क्यों नहीं देगा? जब भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 दे सकता है, तो तुम्हें भी दे सकता है। अपने विश्वास को पक्का करो, अपने भरोसे को पक्का करो, अपनी दृढ़ता को मजबूत करो, अपनी दृढ़ता। यहां कथा सुनने के लिए आप लोग